देखो आजकल मार्वल का नाम ही काफी नहीं है ये विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ भाई माल बढ़िया है, क्योंकि मार्वल ने सीरीज के मामले में हमें श्री हल्क जैसा डिसअपॉइंटमेंट और लोकी 2 जैसा मास्टरपीस दोनों ही दिए। और अभी अभी मार्केट में एक नया माल आया जिसका नाम है इको। मार्वल की इस नई सीरीज में एक कबीला होता है जो की गुफाओं में रहता है, गुफाओं से उन्हें किसी कारणवश बाहर आना पड़ता है, उसके बाद में वो इंसान जैसे बन जाते हैं। इस कबीले की मुखिया कोई ना कोई औरत होती है जो की वक्त पड़ने पर अपने इस कबीले रूपी परिवार की रक्षा करती आई है अपनी खास शक्तियों से। और वो खास शक्ति क्या इस सीरीज में कुछ खास बताया नहीं है। और हर पीढ़ी के साथ में ये शक्तियाँ किसी न किसी लेडी में ट्रांसफर होती रहती है। इस शक्ति को वो बोलते हैं कि ये उनके पूर्वजों की पुकार है, वो गूंज है, वो इको है, जो कि वक्त पड़ने पर हमें ढूंढी लेती है हमारी मदद करने के लिए, यानी जब वे या उनका परिवार मुश्किल में होता है। और इसी वजह से इस सीरीज का नाम रखा गया है इको। अब देखो पहला पॉइंट तो ये कि मुझे सीरीज कहीं से भी मार्वल की सीरीज जैसी लगी नहीं। अरे मुझे तो ये सुपर हीरो सीरीज जैसी ही नहीं लगी। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं इसके डायरेक्टर्स कैटरीना मैग्नीजी, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, और सिडनी फ्रीलैंड। आई थिंक इन दोनों ही डायरेक्टर्स ने पहली बार मार्वल की कोई सीरीज डायरेक्ट की है। दोनों लेडी डायरेक्टर ने एक लेडीज को ही सेंटर में रख के एक सीरीज बनाई और बड़े ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे खासे मौके को यूटिलाइज नहीं किया। और फिर कहते हैं कि हमें फीमेल सेंट्रिक कंटेंट जो होता है वो पसंद नहीं आता। अरे काम भी तो अच्छा होना चाहिए ना। एक्शन तो फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा बहुत है, वरना बाकी पूरी सीरीज में आटे में नमक बराबर। और सुपर पावर्स के नाम पर भैया हाथों में जलती हुई जलेबियां सी दिखा देते, बस कुछ नहीं। और देखो इस सीरीज को मैं शुरुआत से ही बड़ा न्यूट्रल और बड़ा काम होकर देख रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्लाइमेक्स आने से ठीक 20 मिनट पहले ही मेरे को इसमें नींद आ गई। एक छोटी सी झपकी लेने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत की कि यार क्यों 20 मिनट बची है भाई, देख ले, रिव्यू भी करना है। दूसरा इसके अंदर जो एंड में जाके सुपर हीरो की मेन कॉस्ट्यूम आती है वो क्या ही थी पता नहीं, पसंद नहीं आई। लेकिन इस सीरीज के कैमरा वर्क में एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस ये है कि इसके अंदर ना वाइड एंगल्स काफी ज्यादा यूज किए गए क्लोजअप शॉट्स के मुकाबले। जिनको थोड़ा ज्यादा समझ में आता है उनको बता देता हूँ कि 18 से 35 mm के लेंस से जो एंगल्स होते हैं वो ज्यादा यूज किए गए। इसके अलावा जो 50 से 85 mm यानी 50 to 85 mm वो कम यूज किए गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये हुआ कि उनकी जो लोकेशन है उसके मामले में वो काफी अच्छी लोकेशन हमें दिखा पाए, लेकिन काफी बार ऐसा लगा जैसे किसी आईफोन या फिर GoPro से शूट कर दिया हो। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स ऑलवेज वेलकम, एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छी बात, बट ऐसे एक्सपेरिमेंट भी तभी अच्छे लगते हैं जब आपकी कहानी में दम हो और जो डायरेक्शन की गई उसमें भी दम हो। सो मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर न्यू रिलीज वेब सीरीज ऑफ मार्वल नेम्ड इको ऑन डिज्नी हॉटस्टार वो ये है कि इस सीरीज में एक्शन ना के बराबर और कहानी में कुछ खास नया नहीं है। इस सीरीज को देखने के लिए सिर्फ एक ही मोटिवेशन काम कर रहा था मेरे अंदर कि यार ये कहीं ना कहीं मार्वल के सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है और फ्यूचर में यदि कोई ऐसी मूवी या सीरीज आए जो कि इस कहानी से कहीं लिंक्ड हुई तो मुझे अभी से देख लेना चाहिए। बस तो मार्वल के कट्टर फैन हो तो भाई इसको जरूर देख लो, और नहीं हो तो एंड में डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। मार्वल स्टूडियोज अच्छा बना उम्मीद करते हैं तुमसे। अपने एक्सपीरियंस को यदि मैं रेटिंग्स देना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा 1.6 out of 5। कन्वर्सेशन में मजा आया, ऑनेस्टी पसंद आई तो बातचीत की इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपना रिएक्शन बताओ, देख चुके हो तो बताओ, देखने वाले तो अब क्या फैसला है वो भी बताओ, और आगे बातचीत करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे।